नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी अगहन मास मोक्षदा एकादशी के विषय में। यह एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अगहन मास को बहुत ही महत्वपूर्ण मास माना जाता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान इस मास को अपना स्वरूप बताते हैं और कहते हैं कि मासों में मैं अगहन मास हूँ। तो इस बात से पता चलता है कि अगहन मास की एकादशी का अत्यंत ही महत्व होता है। तो इस एकादशी को आप लोग जरूर धारण करें। यदि नहीं धारण कर पाते हैं तो एकादशी के नियमों का पालन आप लोग अवश्य करें। आइए आज बात करती हूं अगहन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के विषय में। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है कि एकादशी दो दिन पड़ रही है, 22 तारीख और 23 तारीख, अर्थात 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। किस दिन व्रत रखना उचित होगा, किस दिन व्रत रखा जाए, बहुत सारे मतभेद हैं इस बात को लेकर। तो आइए समझ लेते हैं कि किस दिन व्रत रखना उचित है, एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, दशमी तिथि कब तक व्याप्त रहेगी, द्वादशी युक्त एकादशी कब से हमें प्राप्त होगी। बहुत सारी बातों को आप लोग इस वीडियो में जानेंगे और बहुत सारी दुविधा आप लोगों की क्लियर होने वाली है। तो सारी बातों को समझ लीजिएगा, फिर आप लोग निर्णय कीजिएगा कि आप लोगों को व्रत किस दिन रखना है और किस दिन रखना उचित होगा। तो निवेदन करती हूं कि आप लोग ये चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर और यह समाप्त होगी 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर। तो इस तरह से यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए तो 8:16 तक दशमी तिथि है, अर्थात जो सूर्योदय हो रहा है वो दशमी तिथि में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे दशमी युक्त एकादशी भी मानी जाएगी, लेकिन बहुत से लोग पंचांग के अनुसार भी यह बताया जा रहा है कि गृहस्थ जन जो है वो 22 को व्रत रखें और वैष्णव जन सन्यासी लोग 23 को व्रत रखें, और बहुत सारे जगहों पे 23 को व्रत रखेंगे लोग और बहुत सारे जगहों पे 22 को व्रत रखेंगे। अगर इस विषय में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप लोग अपने पुरोहित जी पंडित जी से जरूर एक बार राय लीजिएगा और अपने जो स्थान है आपका, जिस स्थान पे आप रहते हैं, वहां किस दिन मान्यता दी जा रही है एकादशी का व्रत रखने के लिए, इस बात को भी जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं यह मत अपने अनुसार बता रही हूं कि 8:16 तक दशमी तिथि है, उसके बाद एकादशी प्रारंभ हो रही है। तो इस तरह से यदि ध्यान दिया जाए तो दशमी युक्त एकादशी इसे माना जाएगा और जो 23 तारीख की एकादशी है उसे द्वादशी युक्त एकादशी माना जाएगा। और शास्त्रों में यह वर्णित है कि हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी धारण करनी चाहिए, दशमी युक्त एकादशी का त्याग करना चाहिए। लेकिन इस बात पर भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा कि 22 तारीख को जो एकादशी है वो सुबह से लेकर पूरी रात्रि, अर्थात पूरा दिन और पूरी रात्रि है। तो यदि मान लीजिए कि आप लोग 23 को व्रत रख रहे हैं तब भी आपको एकादशी का जो पालन है वो 22 को करना होगा। जैसे कि एकादशी व्रत के दिन हम लोग नियमों का पालन करते हैं, मान लीजिए जो भी भाई बहन व्रत नहीं रखते हैं वो एकादशी के नियमों का पालन करते हैं और करना भी चाहिए, तो आप लोग 22 को भी सभी नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। जैसे कि माता तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए एकादशी के दिन, केवल तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए इस दिन। और दूसरी बात, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी भाई बहन एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि में भी उन्हें चावल का सेवन करके व्रत को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो जो सारे नियम है उसे आप लोग 22 को भी पूरी तरह से उसका निर्वाह कीजिएगा यदि आप 23 को व्रत रखते हैं। ऐसा नहीं है कि 23 को आप व्रत रख रहे हैं तो 22 के किसी भी नियम को आप लोग ना माने, सभी नियमों को आप लोग मानिएगा। अब बात मैं करती हूं कि जो लोग 22 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत कब तोड़ना है, अर्थात पारण कब करना है। उन्हें 23 तारीख को दोपहर 1:22 से 3:26 के बीच में व्रत का पारण करना है, और जो लोग 23 तारीख को व्रत रखेंगे वो लोग सुबह सवेरे व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात सूर्योदय होने के बाद वो व्रत का पारण कर सकते हैं। वैसे सूर्योदय से पहले ही द्वादशी जो है वो समाप्त हो जा रही है, लेकिन इस बार तिथियों के हेर फेर के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। तो आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि यदि मान लीजिए कि दशमी, थोड़ी सी दशमी व्याप्त होने के कारण इस एकादशी को आप लोग नहीं धारण कर रहे हैं तो सभी नियमों का पालन आप लोग अवश्य ही कीजिएगा, अर्थात इसे एकादशी तिथि ही मानिएगा क्योंकि इस दिन संपूर्ण एकादशी है।
तो इस बात को मैं इसीलिए क्लियर कर देना चाहती हूँ। वैसे आपकी इच्छा के ऊपर है, दोनों ही एकादशी जो है वो धारण करने योग्य है। अब आइए मैं बात कर लेती हूँ नियमों की। जैसा कि मार्गशीर्ष मास की ये एकादशी है और मार्गशीर्ष मास जो है वो पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप है, भगवान विष्णु जी का स्वरूप है, तो आप पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा अवश्य इस दिन कीजिएगा। जैसा कि मैंने अगहन मास की वीडियो में भी बताया है और उत्पन्ना एकादशी की वीडियो में भी बताया है कि इस दिन शंख की पूजा करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। यदि आप पूरे अगहन मास में शंख की पूजा नहीं कर पाए हैं तो इस एकादशी पर आप लोग शंख की पूजा जरूर करें, और यदि हो सके तो एक शंख खरीदकर आप किसी मंदिर में या किसी पंडित जी को आप दान करें, जो उस शंख का उपयोग करें, उनकी पूजा करें या फिर पूजा में प्रयोग करें, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगहन मास में श्री कृष्ण भगवान जी को आप लोग पंचामृत से उनका अभिषेक जरूर कीजिएगा, शंख के जल से उनका अभिषेक जरूर कीजिएगा। श्री कृष्ण भगवान जी की भी विधि विधान से आप इस दिन पूजा जरूर कीजिएगा, साथ में भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये एकादशी है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि इस दिन तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जी को भी आप लोग अर्पित कीजिएगा। हाँ, ये अवश्य है कि तुलसी पत्र आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। अगले दिन द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, अर्थात 22 और 23 दोनों ही दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। दोनों ही दिन माता तुलसी जी के पौधे में आपको जल अर्पित नहीं करना है, बाकी आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि श्री कृष्ण भगवान जी को इस दिन आप माखन और मिश्री का भोग जरूर लगा दीजिएगा। भगवान विष्णु जी को आप पीले फल, पीले फलाहारी मिष्ठान इत्यादि का आप लोग भोग जरूर लगा दीजिएगा। जो भी फलाहार आप लोग ग्रहण करते हैं उसे पहले आप भगवान के चरणों में अर्पित करें, उसे प्रसाद स्वरूप में, उसके बाद आप ग्रहण करते हैं तो इसका अत्यधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। यदि आप दोनों ही दिन दान करना चाहते हैं, जैसे कि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन अर्थात पारण के दिन भी, तो इस दिन अन्न को छोड़कर आप कोई फलाहार दान कीजिएगा। और जब आप पारण कर लेते हैं अर्थात 24 तारीख को आप प्रातः काल अन्न का दान कीजिएगा, क्योंकि एकादशी दोनों ही दिन है। मान लीजिए आप 22 को एकादशी धारण करते हैं तो आप 23 को भी अन्न दान मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन भी एकादशी मानी जाएगी। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इस दिन 23 को जब आप व्रत खोलेंगे और इस दिन दान करेंगे तो आप फलाहार का दान कीजिएगा। आप दान कितना भी कीजिए उसमें अन्न ना हो, और 24 को आप लोग अन्न दान कर दीजिएगा तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन कहा जाता है कि देवी देवता भी व्रत धारण करते हैं। जैसे कि तुलसी माता के विषय में कहा जाता है कि इस दिन माता तुलसी जी व्रत धारण करती है, इसीलिए हम लोग उनको जल अर्पित नहीं करते हैं। ये सारे नियम है। अब दोस्तों देखिए, मान लीजिए जो भी मेरे भाई बहन 22 को एकादशी का व्रत रख रहे हैं वो दसवीं का जो पालन है वो 21 को करेंगे, और जो लोग 23 को व्रत रख रहे हैं वो लोग 22 को दसवीं तिथि मानकर या फिर पूरी एकादशी तिथि मानकर उसका पालन करेंगे, क्योंकि उस दिन पूरी तरह से एकादशी है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोग उस दिन पूरी तरह से सात्विक रहिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, लहसुन प्याज चावल इत्यादि का त्याग कर दीजिएगा। तो इस तरह से भले ही आप लोग इस दिन भोजन करें, अगले दिन व्रत रखें, लेकिन आप लोग नियमों का पालन जरूर ही कीजिएगा। तो ये सारी बातें एकादशी के विषय में है। वैसे कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन आप लोग इस तरह से बातों को ध्यान में रखते हुए और अपने स्थानीय नियमों को देखते हुए आप लोग व्रत धारण कीजिएगा। जिस दिन आप लोग व्रत का पारण करते हैं उस दिन आप लोग गौ माता के लिए भोजन जरूर निकालें। यदि आप प्रतिदिन गौ माता को भोजन देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कहीं भी आपको गौ माता मिले, किसी गौशाला में या किसी के घर गाय है तो आप जाकर जरूर भोजन करा के आए। इससे आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दान करें, किसी गरीब को दान करें, किसी असहाय निर्धन को दान करें। वैसे भी अगहन मास है तो ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। तो इस तरह से आप लोग व्रत का पारण जब करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि व्रत के पारण में आप लोग बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, लहसुन प्याज का सेवन या फिर साग और गोभी की सब्जी इत्यादि, ये सारी सब्जियां और ये दाल, मसूर की जो दाल होती है, ये सब खाकर आप लोग व्रत का पारण ना करें। अन्य सब्जियां आप खा सकते हैं, सात्विक भोजन करके ही पारण करें। दूसरी बात, एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन, जिस दिन हम व्रत धारण करते हैं और जिस दिन हम पारण करते हैं, दोनों ही दिन दिन में शयन करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन दिन में तो बात ही छोड़िए, रात्रि भी जागरण करने की बात कही गई है।
है और कहा गया है कि एकादशी व्रत को धारण करके यदि हम रात्रि जागरण करके और भगवान श्री हरि विष्णु जी के भजन कीर्तन उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, तो इससे हमें एकादशी का जो पुण्य है ये अनंत गुना और ज्यादा बढ़ के हमें प्राप्त होता है। तो आप मान लीजिए बहुत रात्रि तक जागरण नहीं कर पाते हैं, पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम दिन में शयन मत कीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और आप दोष के भागीदार नहीं बनेंगे। तो दिन में शयन बिल्कुल मत कीजिएगा, पारण के दिन भी और एकादशी के दिन भी। दूसरी बात, पारण के दिन का जो नियम है यह माना जाता है कि इस दिन 3 बार अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अर्थात 3 बार आप भोजन ग्रहण ना करें, अन्न उसमें ना हो। वैसे आप फलाहार है, जलपान है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो अन्न है वो 3 बार आपको ग्रहण नहीं करना है। आप 2 बार कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार वर्जित माना गया है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग एकादशी का पालन कीजिएगा। पंचांग में भी ये कहा जा रहा है कि 22 को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे, 23 को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। ये मैं क्लियर बता दे रही हूँ, सिर्फ मैंने अपना मत रखा है कि इस तरह से 8:16 से जब हमें एकादशी प्राप्त हो रही है तो इसके पहले दशमी है, इसलिए कहीं ना कहीं इसे दशमी वेधित अर्थात दशमी व्याप्त एकादशी मानी जाएगी। वैसे संपूर्ण एकादशी है, मैंने ये भी बता दिया है कि नियमों का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि इस दिन दशमी व्याप्त एकादशी है तो इसे हम मान्यता ना दें, बिल्कुल मान्यता आपको देनी है। तो ये मेरा मत था, बाकी आप लोग अपने अनुसार अपने स्थानीय नियमों को जरूर देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।